एक उम्र बिताई थी खुशी से मैंने, एक उम्र बिताई थी खुशी से मैंने, तुम मिले तो पता चला कितना गम था। जब चौथे सेमेस्टर पांचवें में जब उससे निकलते हैं बाहर, तो दिमाग में आता है कि होकर जुदा उनसे हमें ये होश है आया, होकर जुदा उनसे हमें ये होश है आया कि करने और निकले थे कि या कुछ और था हमने। रवि क्या हो गया, आंखें थोड़ी लाल लाल सी लग रही हैं। मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोली नहीं कुछ तो बताओ। मैंने कहा ऐसा है कि मेरी आंख में देखो यहाँ कुछ किरकिराता है, मेरी आंख में देखो यहाँ कुछ किरकिराता है, कोई तिनका फंसा है या ये तेरी बेवफाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टूटे हुए दिल के दर्द को तोल तू लेना, मेरे टूटे हुए दिल के दर्द को तोल तू लेना, ये पहले देख ले जाकर के तुझ पर बांट कितने हैं। कि दर्द तो तब तोलेगा जब तुम पे बांट होंगे, तुम तोल ही नहीं सकते। ठीक है, एक और है कि इस जिंदगी को हमने कुछ इस तरह जाना है, इस जिंदगी को हमने कुछ इस कदर जाना है, तुझे जानते नहीं है पर जाना पहचाना है। हार को हार कह करके हार से हार क्या जाना, हार को हार कह करके हार से हार क्या जाना, हार को हार देकर ही जीत का हार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मेरी कविता सुनिए कि है सांसों में अब टूटन सी यूं लगता कुछ खो जाएगा, है सांसों में अब टूटन सी यूं लगता कुछ खो जाएगा, जो नींद उड़ाए बैठा था वो सपना ही सो जाएगा, जिस रास्ते पर ये पांव मेरे बिन सोचे ही चल पड़ते थे, जिस रास्ते पर ये पांव मेरे बिन सोचे ही चल पड़ते थे, था किसे पता वो एक दिन रास्ता ढूंढे ना मिल पाएगा, है सांसों में एक टूटन सी यूं लगता कुछ खो जाएगा। और बहुत ज़रूरी कि ये मिलना तो बस मिलना है, पाने में अब भी देरी है, ये मिलना तो बस मिलना है, पाने में अब भी देरी है, मैं जिस रास्ते पर निकल पड़ा वो गलियां बड़ी अंधेरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई कि ये मिलना तो बस मिलना है, पाने में अब भी देरी है, जिस रास्ते पर मैं निकल पड़ा वो गलियां बड़ी अंधेरी हैं, मेरे पथ का वो साथी जो दीपक बनकर जलता था, मेरे पथ का वो साथी जो दीपक बनकर जलता था, था किसे पता वो दीपक अब ढूंढे ना मिल पाएगा, है सांसों में अब टूटन सी यूं लगता कुछ खो जाएगा। ये समय सफर कुछ ऐसा है जो छूट गया सो छूट गया, ये समय सफर कुछ ऐसा है जो छूट गया सो छूट गया, फिर कांच मिलाते फिरते हैं जो टूट गया सो टूट गया। कि ये समय सफर कुछ ऐसा है जो छूट गया सो छूट गया, फिर कांच मिलाते फिरते हैं जो टूट गया सो टूट गया, सब पर नियति का अंकुश है जो रब राजी सो होता है, सब पर नियति का अंकुश है जो रब राजी सो होता है, वो अपने मन की करता है हम कहते हैं रब रूठ गया। और सुनिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सारे कामों को लेकर खुद ही करने चल पड़ता था, हम सभी की स्थिति है कि जो सारे कामों को लेकर खुद ही करने चल पड़ता था किसे पता वो अभिनेता एक दिन दर्शक बन जाएगा, है सांसों में अब टूटन सी यूं लगता कुछ खो जाएगा। और इन आंखों की बरसातों में जब सारे गम धुल जाएंगे, इन आंखों की बरसातों में जब सारे गम धुल जाएंगे, हृदय ज्वाला में धधक रहे सब राग द्वेष जल जाएंगे, हृदय इन आंखों की बरसातों में जब हम रो लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, कि इन आंखों की बरसातों में जब सारे गम धुल जाएंगे, हृदय ज्वाला में धधक रहे सब राग द्वेष जल जाएंगे, जिस क्षणिक हृदय की पीड़ा ने मुझे विचलित करके रखा है, जिस क्षणिक हृदय की पीड़ा ने मुझे विचलित करके रखा है, जब समय घाव भर देगा सब हम हंसकर इन्हें बताएंगे, जब समय घाव भर देगा सब हम हंसकर इन्हें बताएंगे, इस पीड़ादायक अवधि में
पर जो समय चल रहा है वो कठिन, तो जब इस पीड़ादायक अवधि में पर साहस बहुत ज़रूरी है, इस पीड़ादायक अवधि में पर साहस बहुत ज़रूरी है, जो खुद को साध न पाएगा वो तिनके बन बह जाएंगे, है सांसों में अब टूटन सी, यूं लगता कुछ खो जाएगा, जो नींद उड़ाए बैठा था वो सपना ही सो जाएगा, वो सपना ही सो जाएगा। हिंदी बहुत अच्छी चीज़ है जिसे हमें हमारे रग रग में बसी हुई है। मैं लोग कहते हैं कठिन और उर्दू के कठिन शब्द लोगों को समझ में नहीं आएंगे, हिंदी में भी ऐसा ही है, तू निरी निष्ठुर नियति सी नित नाटक नए बनाती है, समझाया नहीं आया, तू निरी निष्ठुर नियति सी नित नाटक नए बनाती है, पर प्रेम प्रसंग के पन्ने पर प्रीत गीत लिख जाती है, तू इश्क समंदर शराब और सिर मोहर मेरे हो जाती है, पहले तू सिर में दर्द करे फिर सर को तू सहलाती है, कुछ नहीं समझ में आया। हिंदी बड़ी विचित्र है साहब, हिंदी की क्या है कि हिंदी को हम तज बैठे हैं, हिंदी का कोई और नहीं, हिंदी को हम तज बैठे हैं, हिंदी का कोई और नहीं, और जे आई मन को भावे माता का कोई ठौर नहीं। ये कैसा अभिशाप लगा है हम सबको खुदगर्जी का, ये कैसा अभिशाप लगा है हम सबको खुदगर्जी का, शब्द शब्द दर अक्षर भूले देता पर गौर नहीं, कि हिंदी को हम तज बैठे हैं, हिंदी का कोई और नहीं, मेरी हिंदी ब्रह्म भाषणी, मेरी हिंदी ब्रह्म भाषणी, ना गाली ना लुका छुपी, भाई एक गाली नहीं है हिंदी में जितनी है उर्दू में और इंग्लिश में, हिंदी में एक गाली बता दो, गाली भी ऐसी है होती है, हिंदी में अगर होंगी दुष्ट पापी निर्लज्ज लगी नहीं लगी, तो दुष्ट पापी निर्लज्ज लगती भी नहीं है, हिंदी में कोई गाली नहीं है, और ना लुका छुपी, साइकोलॉजी उनकी पी से शुरू होती है, हमारा पागलपन पी से शुरू होता है, हिंदी मेरी हिंदी ब्रह्म भाषणी, ना गाली ना लुका छुपी, जैसा बोलो वैसा लिखती, फिर भी ये सिरमौर नहीं, समझ रहे हो, जैसा बोलो, इंग्लिश की स्थिति ये है, इंग्लिश में तुम कहोगे लोहे का हथौड़ा उठाओ और लोहे पे मार दो, आवाज आएगी टन, लिख के बताओ, वो लिखेंगे जैसा बोलो वैसा लिखती, ये करना है, तो टन का मतलब टी एन एन, वो क्या हो गया टनन, टी एन टन, लेकिन टन कैसे लिखोगे, जो भाषा मंगल लिख नहीं सकती है, इंग्लिश में मंगल नहीं लिखे मनगल लिखा जाएगा, जो भाषा मंगल लिख नहीं सकती है वो मंगल करेगी कैसे, आप समझ रहे हो, तो हमारी हिंदी ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रग रग में बसी होनी चाहिए और हमें इस पे गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।